दी है, हम लड़ेंगे। हमने संक्रांत कर दिया बिहार की कम्युनिस्ट पार्टी ने, हम चार चरण में बिहार के अंदर आंदोलन का नारा दिया है। पहला आंदोलन कल तक हमारा है, दूसरा हम आंदोलन चलाने जा रहे हैं छात्र नौजवानों के सवालों को लेकर, रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो, रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो। हम 9 अगस्त को तमाम कलेक्ट्रेट के सामने छात्रों और नौजवानों का हजारों का जुझारू प्रदर्शन करेंगे, सिंगल मांग को लेकर, रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो, ये हमारी मांग है। समान शिक्षा प्रणाली वगैरह चलेगा, ये भी हम करने जा रहे हैं। ये हम नौजवान छात्र नौजवानों के सवालों को लेकर लड़ने जा रहे हैं। और यही नहीं है मित्रों, अखिल भारतीय छात्र संघ, अखिल भारतीय नौजवान संघ अभी 15 जुलाई से आगामी जो है 60 दिन तक कन्याकुमारी से लेकर के हुसैनीबाना तक, जहाँ शहीद आजम भगत सिंह का शहादत हुआ था, एक जब रथ यात्रा निकला है, रथ यात्रा लॉन्ग मार्च उसको कर, लॉन्ग मार्च निकाला हमारा ए आई वाई पूरे देश के पैमाने पर। और बिहार में वो जब आएगा 28 अगस्त को और 2 सितंबर तक रहेगा, 6 दिन हमारा आपके यहाँ वो जब आएगा 30 अगस्त को, 30 अगस्त को आएगा बिहार के अंदर। और एक खुशी की बात यह सुन लीजिए, हमारा जो राज संगठन सम्मेलन हुआ 20-21 मार्च को, 20 को एक बड़ा रैली हमने किया था, कन्हैया उसमें आने वाला था लेकिन कुछ कारण से नहीं आया, लेकिन 30 अगस्त को हमने कन्हैया जेएनयू का जो वह छात्र है, वह जो हीरो है और छात्रों का हिंदुस्तान का नेता बना हुआ, वह भी आपको आपके बीच में आ रहा है। 30 अगस्त को 5 बजे लॉन्ग मार्च का जत्था आएगा, रथ यात्रा आएगा और खगड़िया में 5,000 से ज्यादा 10,000 तक का छात्रों नौजवानों की सभा होगी और उसमें कन्हैया उसको उसमें एड्रेस करेगा, कन्हैया का भाषण होगा, ये हम करने जा रहे हैं। उसकी मांग, उसका मांग, दो मांग मुख्य है, चेंज इंडिया, सेव इंडिया, भारत को बदलो और भारत को बचाओ, भारत को बचाओ, भारत को बदलो, इसी नारे के साथ ये हमारा रथ यात्रा कन्याकुमारी से हुसैनीवाला तक जाएगा। आज हमारे देश पर खतरा है मित्रों, आज हमारा देश जिस समन्वय को लेकर, जिस सपने को लेकर हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा 1950 में गणतंत्र घोषित हुआ, वो संविधान में लिखा हुआ, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें बजाबता, यह जो हमारा संविधान है एक जनतांत्रिक, यह हमारा संविधान एक जनतांत्रिक और साथ ही साथ